गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने लेसन 5 प्रोनाउंस कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों को लेसन 6 आर्टिकल्स पढ़ना है, ठीक है। पेज नंबर बुक का, ग्रामर की बुक का पेज नंबर 3232 ओपन कर लेंगे। आर्टिकल्स देखो क्या होते हैं। इंग्लिश में थ्री आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ लगते हैं, ये तो आपने वैसे पढ़ा है कि वॉवल साउंड के साथ एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगाते हैं, ये आर्टिकल होते हैं, लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। अगर सिंगुलर नाउन है और वो कॉन्सोनेंट है उसका फर्स्ट लेटर, तो उसके साथ ए लगाएंगे, और अगर सिंगुलर नाउन है और उसका फर्स्ट लेटर वॉवल है तो उसमें एन लगाएंगे। अब जैसे देखो, ये बैट, एक बैट है, सिंगल बैट है, सिंगुलर नाउन। अब चूंकि देखो ये बैट बी से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द कॉन्सोनेंट, तो इसके पहले हमने क्या लगाया, ए लगाया। अब देखो ये एलिफेंट है तो सिंगुलर नाउन में है, लेकिन ये ई से शुरू हो रहा है, वॉवल से शुरू हो रहा है, तो इसके पहले हमने क्या लगाया, एन लगाया, एन एलिफेंट, एन आवर। देखो आवर तो बोलोगे ये एच से शुरू हो रहा है, लेकिन बोलते से ये एच यहाँ पर साइलेंट है, यहाँ पर ओ से ही शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसके पहले हम लोगों ने क्या लगाया है, एन लगाया। और जो आर्टिकल द होता है वो एक स्पेसिफिक नाउन के लिए लगाया जाता है, मतलब कि जैसे प्रॉपर नाउन है लेकिन वो अपनी तरह का एक ही नाउन है, मतलब कि जैसे ताजमहल, अब उसके दूसरा तो ताजमहल नहीं है ना, तो उसके साथ हमने द लगाया। हिमालय, हिमालय भी देखी है ना। अ स्पेसिफिक नाउन ऑन थिंग्स ऑलरेडी स्पोकन अबाउट, ठीक है। देयर इज अ पेन, इट इज द, अगर जिसके बारे में मैंने पहले बोल दिया लेकिन अब मुझे उसके बारे में फिर बोलना है, तब द लगाएंगे, ठीक है। और जो स्पेसिफिकली जैसे बस, द मैन, द टॉय है ना, तो ऐसे क्यों किसी चीज़ को स्पेसिफिक हमें बताना है तो उसमें हम लोग द लगाते हैं, ठीक है। तो चलो पहले कॉपी पे काम करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी ओपन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी आर्टिकल्स इन इंग्लिश। लिखेंगे देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, ए, एन एंड द। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, ए एन एंड द, ठीक है। अगर मान लो जल्दी से मैंने बोल दिया तो आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो पॉज कर लेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वी यूज द आर्टिकल्स ए, एन एंड द। तो पहला देखो, द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स that begin with a consonant sound like a bat, a house, etc. फिर से देखो, the article a is used before singular nouns that begin with a consonant sound like a bat, a house, etc. ठीक है, अब देखो उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द आर्टिकल एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विथ अ वॉवल साउंड। द आर्टिकल एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विथ अ वॉवल साउंड, लाइक एन एप्पल, like है ना, एन एप्पल, एन एलिफेंट, ओके। नेक्स्ट देखो, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द आर्टिकल द इज यूज बिफोर स्पेसिफिक नाउन। द आर्टिकल द इज यूज बिफोर स्पेसिफिक नाउन, लाइक द ताजमहल, द हिमालयाज, है ना, ये अपने आप में एक अलग चीज़ है, कोई इसके ज्यादा कोई दूसरा चीज नहीं है ना, ठीक है। चलो अब अपनी बुक पे आप पेज नंबर 3333 ओपन करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि कुछ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को अंडरलाइन करनी है और उसके बाद उसको सही करके लिखना है। देखो जैसे ये बोला, द एरोप्लेन फ्लू इनटू एन स्काई नहीं होगा बेटा, द स्काई, आसमान तो अपने आप में एक है ना, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे द एरोप्लेन फ्लू इनटू द स्काई, हो गया, ठीक, नोट कर लो इसको। दे सेल डाउन अ गंगा एंड द यमुना, अ गंगा नहीं, द गंगा एंड द यमुना, दे सेल डाउन द, देखो एक को अंडरलाइन, ये सर्किल कर लेंगे, है ना,
गंगा एंड द यमुना, हो गया ठीक। अब देखो, ए ओल्ड मैन मेट अ यंग वुमेन। ओल्ड ओ से शुरू हो रहा है तो वॉवल साउंड ए, ये वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है तो ए नहीं होगा, एन होगा ना, तो एन ओल्ड मैन मेट अ यंग वुमेन। ओके, माई ग्रैंड मदर हैज रीड अ रामायण एंड द महाभारत। देखो ए रामायण नहीं होगा, द रामायण होगा ना, तो माई ग्रैंड मदर हैज रीड द रामायण एंड द महाभारत। ठीक हो गया। अ स्नेक फॉट विथ एन मंगूज। देखो एम क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है बेटा, तो यहां पर ए रहेगा, एन नहीं रहेगा, है ना। अ स्नेक फॉट विथ अ मंगूज, ठीक है, मंगूज मतलब नेवला है ना। वी आर गोइंग टू सी अ लोटस टेम्पल। अ नहीं होगा, द होगा, ठीक। अब आप अपने से लिखेंगे, यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया द, है ना। शी बॉट अ पेंसिल बट डिड नॉट बाई एन नोटबुक। एन नहीं होगा बेटा, यहाँ पर ए होगा। ओके, राजू इज एन गुड मैन। राजू इज अ गुड मैन, ठीक, ये हो गया। ये दो आप अपने से करेंगे, ओके। फिर आगे का काम हम लोग बाकी आगे अगली क्लास में करेंगे बेटा, तब तक के लिए बाय।